हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। वेलकम बैक नाज़रीन, कुछ जिक्र कर लेते हैं भारतीय आर्मी चीफ जनरल मनोज का, जो ये कहते हैं कि अगर पार्लियामेंट चाहे तो आजाद कश्मीर भी हमारा हो सकता है। लगारी साहब, ये क्यों इस किस्म की धमकियां देते हैं जब इनको पता है कि पाकिस्तान किसी भी जारियत का मुंह तोड़ जवाब देने की सलाहियत रखता है, भूल जाते हैं वाकया। भारत में एक पागलपन आया हुआ है, एक जुनून आया हुआ है, एक बुखार आया हुआ है और एक बीमारी आई हुई है। ये बीमारी शायद उस वक्त दब गई थी जब इंडिपेंडेंट मूवमेंट चल रही थी, और उस वक्त जो है कहा जा रहा था कि जनाब पुरमन होना चाहिए हिंदुस्तान को, ये कहा जा रहा था कि सेकुलर होना चाहिए, ये कहा जा रहा था कि सोशलिस्ट होना चाहिए, ये कहा जा रहा था कि इसके अंदर ये खूबियाँ होनी चाहिए, और वो इस बात की नफी कर रहे थे कि जनाब किसी किस्म का जो है वो मजहबी बालादस्ती हिंदुओं की होनी चाहिए। उस वक्त इंडिया का ये पोस्टर था और इंडियन लीडरशिप भी कह रही थी, लेकिन इसके अंदर जो महाराष्ट्र अपना महासभाई जहनीत आई है, जो राष्ट्रीय सेवक संघ आई है, और जिस तरह से उन्होंने सोसाइटी को पहले भी कर रहे थे, ऐसा नहीं है गांधी के दौर में राष्ट्रीय सेवक संघ नहीं थी, उस वक्त भी थी, ऐसा नहीं है कि नेहरू के ज़माने में नहीं थी, उस वक्त भी थी, और उस वक्त उनके नुमाइंदे मौजूद थे, बड़ी जो है किताबें लिखी जा रही हैं, और आजकल जो है वो ये सामने लाया जा रहा है कि जी पटेल भी बड़ा माकूल आदमी था, और पटेल जो है वो एक ऐसी मुसलमान से भी किताब लिखवाई गई है कि जी वो मुसलमान दुश्मन नहीं था, लेकिन अब सारी चीज़ें खुल रही हैं। पटेल का नया जन्म मोदी की शक्ल में हुआ है, पटेल का नया जन्म मोदी की शक्ल में हुआ है। पाकिस्तान की डिफॉल्ट पॉलिसी है कि दिल्ली पे फिर से कब्जा और मुगल सल्तनत हम बनाएंगे, और वो हाथ में लोटा मुंह में पान लेके रहेंगे पाकिस्तान, सारे भाई लोग फिर दिल्ली की तरफ चलेंगे। और मोदी जो है वो न सिर्फ हिंदुस्तान का, न सिर्फ हिंदुस्तान के लोगों का दुश्मन है, हिंदुस्तान की जो बुनियादी अगर कोई खसूसियत है तो उसका दुश्मन है, वहाँ पर मुसलमानों का दुश्मन है, वहाँ पर अकलियतों का दुश्मन है, वहाँ के ईसाइयों का दुश्मन है, वहाँ के बुद्धिस्ट का दुश्मन है, वहाँ के जैन्स का दुश्मन है, वहाँ के शूदर्स का दुश्मन है, वहाँ के दलितों का दुश्मन है, वो हर उस चीज़ का दुश्मन है जो खिस्त्री और ब्राह्मण की पाकबाजी और उसकी जो धंधेबाजी है, इन दोनों का अगर जो खिलाफ हो या उसके मुताबिक ना हो तो उसको हर चीज़ उसके खिलाफ रखती है। तो ये एक नासूर है हिंदुस्तान के तूरो अर्ज में फैला हुआ है, एक कैंसर है जिसका नाम मोदी है, और मोदी इस सोसाइटी की बुनियाद को खा रहा है, इसकी जड़ें खोखली कर रहा है, इसके तने को काट रहा है। हिंदुस्तान मोदी के होते हुए एक कदम आगे नहीं बढ़ सकता। हम 6 साल पहले से कह रहे थे, जब मोदी आ रहा था हमने तब से पहले कहने शुरू कर दिया कि अब हिंदुस्तान के जिवार का वक्त आ रहा है। जवाब में हमारे दो शहीद हुए, हमने भी 5 उधर मार दिए, मनमोहन नहीं उधर मोदी बैठा है, हिंदुस्तान अपनी तबाही की तरफ बढ़ रहा है। ये जो मनोज, जनरल मनोज जो है ये लाफ जनी कर रहे हैं, और ये जो कह रहे हैं कि जनाब हम पाकिस्तान के आजाद कश्मीर पर भी हम चले जाएंगे, उन्होंने ये बच्चों का खेल है, यानी जिस तरह चाहेंगे वो आ जाएंगे, बस यहाँ पर हम जो है खड़े होंगे। उनको पता नहीं है कि उन्होंने भेजा नहीं था एक अपने अभिनंदन को, आपने ये एडवेंचर किया था, और तकरीबन कोई 1 साल के बाद जाकर, अभी 1 साल होने वाला है, या इस दौरान में आपने पिछले दिनों आकर माना, नहीं असल में वहाँ कुछ भी नहीं हुआ था, वहाँ कोई जो है वो मरकज भी नहीं था, अच्छा जी वहाँ पर कोई आदमी भी नहीं मरे थे, आपने पहले दिन वादा किया था कि हमने 350 बंदे मार दिए, फिर बाद में उन्होंने आपने एक कबा मारा था, उस कबे की जो है वो निशानियाँ पड़ी हुई थी, वो जाकर आपको दिखाया गया था। तो ये गीदड़ भपकियाँ हैं
और ये देते रहे। डीजी आईएसपीआर ये कहते हैं कि इंडिया में जो कुछ हो रहा है तो अंदरूनी जो बुहरान है उससे निकालने के लिए इस तरह का बयान दिया गया है, तो यानी इंडिया के पास और कोई ऑप्शन नहीं है। अंदरूनी बुहरान नहीं है, अंदरूनी खलफशार नहीं है, अंदरूनी तौर पर भारत हिल रहा है टूट फूट के लिए, बिखर जाने के लिए, और इंडिया के अंदर वो सलाहियत जो एक रखती थी इंडिया को वो खत्म हो रही है, दम तोड़ चुकी है। इंडिया नहीं रह सकता एक, इंडिया के अंदर क्या मुसलमान वहां पर जितनी भी मुसलमानों की आबादी है किसी भी मुल्क में आप 25 से 30 करोड़ इंसानों को ऐसे मक्के की तरह उठा कर नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं। इज इट पॉसिबल? अच्छा यहां पर जब अकलियतों की तरह पाकिस्तान में अगर किसी एक बच्ची के साथ भी जुल्म होता है तो यहां पूरी सोसाइटी खड़ी हो जाती है, हम कहते हैं कि यह क्या हो रहा है। यहां पर सखर में हमारे जो एक दरगाह के पीर साहब हैं वो जब इस तरह का काम करते हैं तो हम खड़े हो जाते हैं, हमारी सोसाइटी खड़ी हो जाती है। लेकिन हमें थोड़ी सी अपने गिरेबान में झांकने की भी ज़रूरत है, हमें इंट्रोस्पेक्शन की ज़रूरत है। अभी एक वीडियो आई थी रिसेंटली जो एक असिस्टेंट कमिश्नर साहिबा थी, उन्होंने एक अकलियत के साथ को एग्जिस्टेंस के ऊपर बात की, उन्होंने यूनिटी की बात की, लेकिन हम उसे अकलियत का नाम भी नहीं ले सकते, हम पे वो भी मना है क्योंकि हमें अपनी जानें प्यारी हैं, हम बात भी नहीं अपनी अकलियतों की कर सकते, हमारे अपने लॉज जो हैं पाकिस्तान के कानून जो है वो मजहब के नाम पर डिस्क्रिमिनेट करते हैं। यहां पे आपका हेड ऑफ स्टेट या प्राइम मिनिस्टर मुसलमान के अलावा नहीं हो सकता, यहां पर आपकी बड़ी बड़ी पोस्टिंग्स इसलिए रोक दी जाती हैं क्योंकि आप या तो आपका फिरका फर्क है या फिर आप अकलियत में हैं, तो यहां पर तो अकलियत कुछ अकलियतें ऐसी हैं कि जिनको अगर अकलियत भी कहो तो उसके ऊपर भी आपके इमोशंस इतने हाई हो जाते हैं कि उसके बाद आपको माफिया मांगनी पड़ती हैं और उसके बाद आपको जो है ना अपनी जान के लाले पड़ जाते हैं। तो मैं अक्सर मैं बिल्कुल मैं इस चीज पे अफसोस का मैं कहूंगी कि सही। तो वहां पर ये क्या पूरी की पूरी आबादी को 12-14% आबादी को जो एक तरफ निकाल कर फेंक देंगे और वो इंसानों को गाजर मुड़ी की तरह काट देंगे, और फिर ये कि बाकी इंडिया उनके साथ खड़ा हुआ है लोग, और इंडिया के लोगों की एक बड़ी अक्सरियत जो है वो लोगों के साथ खड़ी हुई है। अब सड़कें आबाद हैं, गलियां आबाद हैं, बाजार आबाद हैं, लोग नारे मारते फिर रहे हैं या तो मोदी रहेगा या इंडिया रहेगा, ये मैं एक बात आपको साफ बता रहा हूं, अब इंडिया या मोदी में से किसी का एक का इंतखाब होना है। राख रख तेरी मां की राख।